नमस्कार, आप देख रहे हैं MSS न्यूज। मैं हूं आपके साथ बिस्टू राठौर। चलिए देखते हैं सबसे पहले सबकी खबर। मॉर्निंग वॉक करने निकले प्रधानाध्यापक की गोली मारकर की गई हत्या। सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली की घटना, आक्रोशित लोगों ने किया चक्का जाम। पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन में जुटी। SP ने किया घटनास्थल का निरीक्षण। आपको बताते चले कि शनिवार तड़के एक कॉलेज के प्रिंसिपल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात बदमाश गोली मारने के बाद फरार हो गए। बदमाशों ने इस घटना को तब अंजाम दिया जब प्रिंसिपल सुबह टहलने निकले थे। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने प्रिंसिपल को 5 गोली मारी है, एक सिर में पीछे से सटाकर दूसरी और बाकी की गोली पैर और पेट में लगी है। जानकारी के अनुसार सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के छपका गांव के निवासी सुरेश यादव 60 वर्ष पुत्र स्वर्गीय बेचन प्रसाद आदर्श इंटर कॉलेज के प्रधानाध्यापक थे। सुरेश यादव सुबह 5:34 पर अपने घर से टहलने के लिए निकले थे। इसी दौरान बाइक सवार कुछ अज्ञात बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया और उन्हें गोली मार दी। इसके बाद बदमाश घटनास्थल पर ही तमंचा और कारतूस छोड़कर भाग गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच पड़ताल की तो पता चला कि प्रिंसिपल सुरेश यादव की हत्या 315 बोर के तमंचे से की गई है। उनके परिजनों की माने तो सुरेश यादव की विद्यालय की भूमि को लेकर कुछ दिनों से विवाद चल रहा था, जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। बता दें कि सुरेश यादव माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष और शिक्षक MLC चेत नारायण सिंह गुट के सोनभद्र के प्रतिनिधि थे। 2018 में शिक्षक दिवस पर सुरेश यादव को राज्यपाल राम नाईक द्वारा पुरस्कार भी मिला था। वह मूल रूप से ग्राम फरीदपुर थाना क्षेत्र सारनाथ जनपद वाराणसी के निवासी हैं तथा रॉबर्ट्सगंज में भी मकान बनवा कर रह रहे थे। हम सारे छोटे बच्चे उठ जाओ, थोड़ा जल्दी कर लेंगे। सर ये बताइए, शिक्षा के ऊपर गोली, एक गुरु के ऊपर गोली चलाई, ये ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं बताइए, वो बिल्कुल ठीक नहीं। हम लोग के प्रचार है सर, हम लोग बिल्कुल ठीक नहीं है। आज से बराबर क्या आपकी आपकी जो इस समय बना स्थिति है, जो आपको पीड़ा है, जो वेदना है, उसमें हम उतना ही सहभागी हैं। अंतर इतना है कि हम उस तरीके से प्रकट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन हम टीचर हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो हमारी आपसे क्या बिल्कुल कोई दुश्मनी नहीं है। किसी से दुश्मनी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। हम ये कर रहे हैं, इसके पहले जो है नगर पंचायत जनप्रति चेयरमैन की जो है 54 में हत्या हो जाती है और बहुत से ऐसे नामदर्ज हैं जो उनकी आज तक गिरफ्तारियां नहीं हो पाई। ऐसे ऐसे गुंडा घूम रहे हैं, आज भी घूम रहे हैं, अभी तक गुंडा घूम रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, सेम सेम हत्या कर रहे हैं। जिला का अधिकारी कार्यालय के बगल में हो, ये भी नहीं से बहुत दूर हो रहा है कि कार्यालय के बगल में ये कार्य हो। अपराध हुआ है और जो भी अपराधी होगा हर पहलू पे विचार कर रही है, पहलू और आप मान के चलिए कि आप सारे लोगों के सामने कितनी घटनाएं घटी, पुलिस प्रशासन का खुलासा नहीं कर पाया। कहीं का मतलब 10 लोग आज तक गिरफ्तारी उनकी नहीं हो पाई, नाम दर्ज है उसमें, लेकिन उस पर क्या विश्वास किया? कैसे विश्वास हो, कैसे भरोसा हो, क्या भरोसा बता।